नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक न्यू बॉर्न बेबी गर्ल की कुंडली और आइए देखते हैं कि इसकी कुंडली हमें क्या बताती है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं, ये लग्न का नंबर 8 स्कॉर्पियो राशि है, वृश्चिक राशि के लग्न में हमें दिख रही है। वृश्चिक लग्न में जो लोग पैदा होते हैं ना, ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने जीवन में, ये लोग जो एक बार ठान लिया सो ठान लिया। जैसे आप देखते हो वृश्चिक की जो क्वालिटीज़ होती हैं, वृश्चिक यानी कि बिच्छू जो क्वालिटीज़ है, ये लोग क्या होता है कि इनसे दुश्मनी जो कोई ले लेता है वो बर्बाद होके ही मानता है। तो ये लोग जो होते हैं ना, यारों के यार होते हैं और दुश्मनों के दुश्मन, ये इस प्रकार के लोग होते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये जो लोग होते हैं ना, ये इनके जीवन में बड़े नियम कायदे से चलने वाले लोग, इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती हैं। हालांकि अब ये बच्चा बिल्कुल छोटा है, तो शुरुआत में जैसे चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो ये बच्चा जो है ये चंचल स्वभाव का रहेगा। कुछ सालों तक हम देखेंगे कि बच्चा चंचल स्वभाव का है, चंद्रमा की नीच राशि है हालांकि, तो बहुत से लोग चिंता करने लगेंगे अरे क्या होगा कैसे होगा, लेकिन नहीं, ऐसे बच्चे के साथ हमेशा जो है चांदी का सिक्का रखा जाए तो चंद्रमा को बल मिलता है, चंचलता शांत होती है। अब इस कुंडली में ये देखिए कि ये तो हमने ये पॉइंट देखा, साथ ही साथ ये कुंडली मांगलिक है, ये बच्चा मांगलिक है, चंद्रमंगली भी हो गया। अगर हम देखें तो देखिए चतुर्थ भाव में मंगल है, मंगल से भी लगन से मंगली, चंद्रमा से मंगली, ये हमें दिख रहा है। तो ये बच्चा मंगली है, तो ऐसे में क्या होता है 28 वर्ष तक थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। मांगलिक होना गलत नहीं है, परंतु क्या होता है मंगल थोड़ा हैवी रहता है, 28 वर्ष तक हावी रहता है, ऐसे लोगों को गुस्सा बड़ा जल्दी आता है। तो ये मानते हैं गर्म स्वभाव होता है, गुस्सा जल्दी आना, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे, इसलिए अगर आप चंद्रमा का उपाय करें तो मंगल शांत भी रहेगा। जैसे कि मोती धारण कराना या बच्चे को चांदी की चैन पहना लेना, चांदी की पाजेब है, चांदी का कड़े हैं, ये काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। तो इससे चंद्रमा भी इनका बैलेंस होगा और गुस्सा भी शांत रहेगा। अब यहाँ पर कुंडली में इनके अगर हम देखें तो एक ही शश योग भी बन रहा है। ये देखिए जो शनि है चतुर्थ भाव में बैठा है, फोर्थ हाउस में बैठा है, शश योग बन रहा है। कहीं अब देखिए क्या होता है, बहुत से लोग मानते हैं कि जब ये सुख का स्थान है, जब देखा जाता है हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी उसके हिसाब से सुख का स्थान है, सुख के स्थान में अगर शनि बैठ जाए तो ऐसे में दिक्कत परेशानियाँ आती हैं। होता क्या है, ऐसे में इंसान को, अब जैसे इंसान क्या होता है जीवन में, ऐसा होता है कि चीज़ें रुक रुक के आना, कठिनाइयों के साथ आना, ये चीज़ होती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कोई इन्हें हरा नहीं सकता, कोई इन्हें परेशान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसकी शनि की तीसरी दृष्टि भी दुश्मनों पर आ रही है, ये दुश्मनों का भाव, शत्रुओं के भाव पर आ रही है, तो क्या होता है कि शत्रुओं को ये लोग हरा के मानते हैं। साथ ही साथ मैं एक चीज़ बोलूँगी, देखिए ये क्या है, माता का स्थान भी है, तो माता से बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं होना, ये चीज़ होती है, माता से विचार न मिलना, मंगल का बैठना, शनि का बैठना, तो माता से विचार में डिफरेंस पैदा कर देना। हालांकि वीनस बैठा है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ऐसे में क्या होता है, बच्चा एक बहुत ही बढ़िया घर परिवार में जन्म लेता है और परिवार वालों को ग्रोथ सक्सेस भी दिलाता है, परिवार वाले इसके भाग का खाते हैं, ये भी होता है, ये इसका भाग्य जो है इतना फलत। वीनस चतुर्थ भाव में बहुत एक लग्जरी देता है, क्योंकि ये लग्जरी का घर भी है, ये एक तरह का देखा जाए तो प्रॉपर्टीज़, एक तरह से देखा जाए तो जो जितने भी लग्जरी है, चाहे आप व्हीकल्स कहें, प्रॉपर्टी कहें, ये सारे स्थानों को लेके चलता है, सारी चीज़ों, वैभव, सुख, समृद्धि, ये सब चीज़ें चतुर्थ भाव से लग्जरी देखी जाती है टोटल। तो ये यहाँ पर इस चीज़ को बेनिफिट दे रहा है। अब बस जो शनि और मंगल है वो थोड़ा सा होता है ना, माता पे गुस्सा हावी रहना, वो चीज़ देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है एक तरह का सुख शशयोग भी है, तो सुख सुविधा हर चीज़ दिख रही है, और एक पराक्रम, एक जैसे कहते हैं ना बच्चे में खुद अपना बड़ा जज्बा होता है कि मैं कर ले जाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगी, ये चीज़ जज्बा बड़ा देखा जाता है। ये देखिए यहाँ पर शनि की राशि भी है, तो शनि की राशि, दोनों शनि अपनी राशि से दूसरे भाव में बैठ जाना, तो ये पराक्रम को सपोर्ट दे रहा है। शनि अगर, जैसे शनि को अगर हम देखें तो शनि अपना उच्च का हो रहा है, शनि अपना बल पकड़ रहा है, तो ये पूरी कुंडली को बल दे रहा है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। इनसे अगर किसी ने भूले भटके अगर गलती से भी अगर किसी ने इनसे पंगा ले लिया तो उसकी खैर नहीं, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, देखिए जुपिटर की राशि है यहाँ पर, ये दोनों जगह फिफ्थ हाउस में भी और सेकंड हाउस में भी जुपिटर की राशि है, जुपिटर बैठे हैं छठे भाव में, तो ऐसे लोग क्या होता है परिवार वाले काफ़ी बोल्ड होते हैं और परिवार की
सुरक्षा करना, और वाणी भी इनके जो जुपिटर का स्थान, जुपिटर की राशि है, वाणी इनकी बहुत सॉफ्ट रहती है, जो भी बातें करेंगी ज्ञान की बातें। इनकी उम्र जैसे जैसे इस बच्चे की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बड़ी ज्ञान की बातें, नॉलेज की बातें ये करेंगे। ऐसे ही जो संतान होती है ऐसे लोगों की, वो भी बड़ी ज्ञानी होती है, बहुत होशियार संतान ऐसी ही फीमेल्स पैदा करती हैं। अब यहाँ पर इस कुंडली में देखिए, और पंचम भाव की बात करेंगे, फिफ्थ हाउस की, यहाँ पे सूर्य है और राहु है। होता क्या है, जब सूर्य और राहु इस प्रकार से बैठते हैं तो देखिए सूर्य क्या होता है कि एक ऐसी संतान पैदा करना कि जो खूब नेम फेम सक्सेस कमाती है, और राहु क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स देता है। सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है, फास्ट सक्सेस, एक अनएक्सपेक्टेड गेन्स, ये सारी चीज़ें, क्योंकि राहु मायावी है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी देता है राहु। ये सब जानते हैं कि राहु एकदम अनएक्सपेक्टेड गेन्स देता है और साथ में नेम फेम सक्सेस ये सारी चीज़ें देता हुआ राहु लग रहा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाऊंगी इनकी कुंडली में, ये देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अंश मिले हैं, डिग्री है, वो वीनस की है, और वीनस चतुर्थ भाव में बैठा है, वीनस चतुर्थ भाव में बैठा है। वीनस से जब हम दूसरा भाव चेक करते हैं तो ये संतान का भाव है, तो वीनस यहाँ बहुत बढ़िया फल देगा। दूसरा भाव भी बली है तो यहाँ पर संतान को भी ऐसी फीमेल्स बहुत अच्छी संतान पैदा करती हैं। और साथ में अगर हम देखें तो इसका नवम भाव, अगर हम देखें तो नवम भाव ये फॉरेन कंट्री से भी बेनिफिट उठाते हैं ऐसे लोग। अब ये देखिए नवम भाव बहुत अच्छा है, ग्यारहवा भाव भी गुरु की राशि हमने देखी, तो यहाँ इन सब भावों को बल दे रहा है, या इन सब भाव, ये जितने भी भाव हैं, यहाँ से दूसरा भाव देखो, यहाँ से नवा भाव देखो, यहाँ से ग्यारहवा भाव देखो, तो ये सारे भावों को बल दे रहा है। इनकी जैसे लग्जरी, सब तरफ से लग्जरी आना, परिवार से लग्जरी आना, ऐसे परिवार में जन्म लेना जहाँ पे आपको जन्म लेते के साथ ही सब चीज़ आपको बनी बनाई सब बहुत बढ़िया मिल रही है, फॉरेन कंट्री से भी बेनिफिट्स आ रहे हैं आपको, इस तरह का जीवन में फ्यूचर आपको मिलना, संतान भी बहुत अच्छी देना, सब लोगों से प्यार मिलना, अच्छे दोस्त मिलना, वो चीज़ सारी चीज़ें दिखा रहा है। अब ये देखिए छठे भाव पर आते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि छठे भाव में जो शत्रु का भाव है मंगल की राशि है, और अब ये देखिए जुपिटर और मरकुरी यहाँ बैठ गए हैं तो क्या होगा। देखिए जुपिटर का यहाँ बैठना अपनी वाणी से ही इंसान को, सामने वाले को परास्त करने की हिम्मत रखते हैं लोग, ज्ञान की बातें कर रहा, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। और होता क्या है, सेवन्थ हाउस जो शादी का घर होता है, वहाँ से अगर बारहवें भाव और दूसरे भाव में अगर अच्छे ग्रह हो तो ये बहुत शुभ रहता है। बहुत से जैसे सोचते हैं ना कि सेवन्थ हाउस, फोर्थ हाउस में शनि बैठ गए तो गृह जीवन ख़राब कर देंगे, ये ऐसा सोचते हैं लोग कि रुकावटें लेकर आएंगे, लेकिन ये कुंडली टोटली अपने जो अपने शत्रु हैं उनको परास्त करना जानती है ये कुंडली। ये इनकी पर्सनैलिटी, इनकी जो हाव भाव हैं, इनके तौर तरीके हैं वो इस प्रकार के रहेंगे कि शनि जो है अगर किसी प्रकार से भी शत्रु लेकर आएगा तो शनि प्रोटेक्शन देगा और बाकी काम गुरु और मरकुरी कर देंगे, जुपिटर और मरकुरी कर देंगे। अपनी वाणी से ही शत्रु को हरा देना, अपनी बातों बातों से, शस्त्र उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को ना तो कोई गलत बात करनी पड़ेगी, ना जैसे होता ना, एक होता है कि आप डरा धमका के शत्रु को हरा रहे, एक होता है कि आपने दो सेंटेंस बोले और सामने वाला खुद ही हाथ जोड़ के चला जाता है, उस तरह की चीज़ें होना। तो ये इस प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं। और मंगल होने के कारण क्या होता है, मंगल होने के कारण आपको गुस्सा आ रहा है, शत्रु हैं, लेकिन क्या होता है कि साथ में मंगल लग्नेश भी है, तो लग्नेश और षष्ठेश अगर एक ही हो तो कुंडली में नुकसान नहीं होता। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये देखिए दूसरा भाव की बात करेंगे, दूसरे भाव पे सेवन्थ हाउस की बात करेंगे, वीनस की राशि है, देखिए वीनस की राशि यहाँ सेवन्थ हाउस पे भी है और ट्वेल्थ हाउस पे भी है। शादी के बाद देखिए वीनस बली है इनका, वीनस अच्छा है, और गुरु की भी बात मैं बताऊंगी आगे, इनका चलित चार्ट देखेंगे तो सेवन्थ हाउस को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा कुछ मुझे देखने को मिला है, और क्या डिफरेंस है चलित चार्ट में और लग्न चार्ट में मैं वो भी बताऊंगी। तो ये चीज़ हमें, तो गृह जीवन को लेकर कोई चिंता परेशानी की बात हमें नहीं दिखती। शनि का दान करें, ये मैं इनको सजेस्ट करूँगी, शनिवार, हर शनिवार दान करें, शनि की पूजा नहीं करनी है। दो तरह की रेमेडीज़ होती हैं, एक पूजा होती है रेमेडी, एक होता है दान, तो इनको दान करने की ज़रूरत है। तो शनिवार का दान करें, जिससे कि शनि जो है धीरे धीरे, जैसे शनि की महादशा चल रही होगी, शनि की महादशा से तो दान करते करते धीरे धीरे इनके जीवन के जो भी ब्लॉकेजेस हैं, परेशानियां, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, और दान हमेशा फलता है, ये हम सब जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर बुध की राशि है, ये दोनों भाव में एट्थ हाउस में और इलेवेंथ हाउस में बुध की राशि है, और यहाँ केतु भी बैठे हैं, तो ऐसे लोग क्या होता है कि अच्छे कर्मों से पैसा कमाना, ये चीज़ भी दिखती है, पैसा को भोग पाना, अच्छे कर्मों में लगाना, अच्छे काम करना, इस चीज़ में खर्च होता है ऐसे लोगों का पैसा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये जहाँ पर अष्टमेश जो है वो
सिक्स हाउस में बैठा है, अगर एट हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठ जाए तो ये भी बड़ा फलदायी होता है कि आपके दुश्मन आपको परास्त नहीं कर सकते, ये भी बड़ी बात है। ये देखिए हमेशा सिक्स हाउस का लॉर्ड, एट हाउस का लॉर्ड और ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड, ये कुंडली में चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ दिखती है। तो यहाँ पर अगर जैसे हम देखें बारहवें भाव का स्वामी अगर फोर्थ हाउस में बैठा है तो ये यहाँ पर भी प्रोटेक्ट करेगा, माता पिता से भले ही कम बने लेकिन वो पूरा ध्यान पूरा रखना, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रमा की राशि है, ये देखिए चंद्रमा की राशि है। तो देखिए चंद्रमा की राशि थोड़ा इधर हमने देखा कि थोड़ा नीच राशि में बैठा है चंद्रमा, तो कई बार पिता से थोड़ा सा दिक्कत होना, विचार नहीं मिलना, वो चीज़ का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है कभी कभी। या पिता इमोशनली ज़्यादा बच्चे को थोड़ा सा कि बिगाड़ देते कि बेटा कोई बात नहीं मैं ही दे देता हूँ, बेटा कोई बात नहीं कर देता है, ये चीज़ का थोड़ा सा इशू रहता है। अब ये देखिए सूर्य की राशि है, यहाँ पर सूर्य अगर हम देखें तो सूर्य यहाँ पर बैठे हैं फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, और सूर्य तो ये देखिए कि ऐसा काम करना कि जो लोगों को, ऐसे लोग क्या होता है कोई फाइनेंस का काम करते हैं या कोई ऐसा काम जिसमें आपको बहुत नेम फेम सक्सेस मिलती है, सरकार से जुड़ा हुआ काम भी ऐसे लोग देखते हैं, देखने को मिलता है, और जीवन में अच्छा नेम फेम कमाते हैं ये लोग। और ये लोग क्या होता है कि पर्सन ऑफ एथिक्स, जैसे होता ना कि मेरे अपने, इनके अपने कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, ये उस पर चलते हैं और लोग इनका बड़ा मान सम्मान करते हैं, इस तरह की कुंडली ये हमें दिख रही है। यहाँ पर इनकी कुंडली में मैं बताऊँगी कि देखिए शनि की दृष्टि यहाँ पर है और सातवीं दृष्टि और दशम दृष्टि, ये चीज़ हमें दिख रही है। तो ये तो दुश्मनों को परास्त करना, अपनी मेहनत से अच्छा पैसा बनाना, दसवें भाव का दसवें भाव की दृष्टि आ रही है तो अच्छा पैसा बनाते हैं, मेहनत से बनाते हैं, सॉरी सातवें भाव की दृष्टि और दसवें भाव में दृष्टि ये बताती है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना अपनी अपनी कर्म से, अपनी मेहनत से, मतलब मेहनती होते हैं ये लोग, ये आलस वाले लोग नहीं हैं, ये मेहनत वाले लोग हैं, ये इस तरह की शुरू से ही बहुत ही बारीक काम करना, लेबोरियसली काम करना, जो काम में जैसे किसी किसी को होता है ना कि मैं ये काम बड़ा बारीक काम है, मेरे को बड़ा मेहनत का काम है, मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये वही काम में इसको इंटरेस्ट आएगा और ये फटाफट भी कर लेते हैं ऐसे लोग इस काम को। अब ये देखिए यहाँ पर इनकी जुपिटर की बात करेंगे, जन्म का जुपिटर है, जुपिटर देखिए यहाँ पर एक पंचम दृष्टि यहाँ पर, सप्तम दृष्टि यहाँ पर और नवम दृष्टि यहाँ पर, तो ये क्या है काम, ऐसा काम करना जिसमें आपको रेस्पेक्ट और नेम फेमस मिल रहा है, इस तरह का काम करते हैं ऐसे लोग। ये देखिए ये बाहर कंट्रीज़, ये बाहर कंट्रीज़ में भी अच्छा नेम फेम बनाना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती, गुरु जो है बाहर से भी पैसा लाता और क्या होता है ये एक तरह का कि जैसे कि अपनी अच्छी आदतों की वजह से जाने जाना, वो चीज़ भी दिखती है परिवार में, एक परिवार में एक परिवार वालों के बीच में भी प्रिय बनना, वो चीज़ दिखता है, परिवार वालों के फेवरेट बनना, वो चीज़ गुरु दिखा रहा है। अब देखिए इनकी कुंडली में मंगल की बात करेंगे, मंगल देखिए यहाँ पे सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहा है और साथ ये इधर दृष्टि आ रही है, तो प्रॉपर्टियों में भी अच्छा पैसा बनाते हैं ये लोग। गृह जीवन में थोड़ा सा देखिए दृष्टि आ रही है मंगल की, तो ये थोड़ा सा जैसे कॉन्फ्लिक्ट करना, क्योंकि मांगलिक लड़का चलेगा, मांगलिक लड़की है तो मांगलिक लड़के से ही शादी करनी चाहिए ऐसे में, तो गृह जीवन में दिक्कत नहीं है, गृह जीवन को संभाले रखने के लिए थोड़ा सा एक जैसे मैंने बताया चांदी का उपाय वो करना चाहिए और गृह और शनिवार का दान करें, वो उससे भी चीज़ें अच्छी रहती हैं। और जैसे कि मंगल दोष जो है 28 साल के बाद शांत हो जाता है, नहीं तो मांगलिक लड़के से शादी करी जाती है, इसलिए ही करी जाती है क्योंकि मंगल जब कुंडली में मांगलिक योग बनता है तो कहीं ना कहीं उसकी दृष्टि, अगर मांगलिक योग में मंगल यहाँ बैठेगा यहाँ बैठेगा यहाँ बैठेगा तो सातवें घर पर दृष्टि आती है, तो उसके कारण जो है पति पत्नी में तनाव की स्थिति बनती है, तो इसलिए मंगल के लिए बोलते हैं कि मांगलिक लड़के से शादी करें, तो एक तो ये चीज़ दिखती है। अब आते हैं नवमांश चार्ट पर, नवमांश चार्ट की बात करेंगे तो चंद्रमा यहाँ बैठा है लग्न में ही बैठा है और ये वर्गो, ये देखिए मरकुरी यहाँ पे वर्गोत्तम हो रहा है, और अगर प्लैनेट्स की बल की बात करें तो सब प्लैनेट्स संबल में है लेकिन मंगल जो है काफ़ी तेज़ हो रहा है, मंगल काफ़ी शार्प है, मंगल काफ़ी बली है इनका, तो ये जैसे मैंने कहा कि थोड़ा गुस्से वाला स्वभाव देखने को मिल सकता है, ये चीज़ देखने को मिल सकती है, बाकी ग्रह सब एकदम नॉर्मल और बढ़िया है। अब आते चलित चार्ट पर,
अब देखिए चलित चार्ट की बात करें तो चलित चार्ट और मेन चार्ट में क्या अंतर होता है कि जो भी ग्रह जिस डिग्री पे होता है उस डिग्री चलित चार्ट में पता चलता है कि जो जो ग्रह है वो अगर वक्री है या कोई ग्रह आगे पीछे है तो वो राशि उस पर्टिकुलर राशि में हमें दिखता है। चलित चार्ट में थोड़ा सा ये फ़र्क आ जाता है कि जो ग्रह अगर कोई पोजीशन चेंज करने वाला है तो वो उसी चार्ट पे वहीं पे रिफ्लेक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या फ़र्क आया कि जो वीनस था वो यहाँ पे उच्च राशि में आ गया वीनस, क्योंकि वीनस जो है अपनी उच्च राशि का फल देगा। वीनस की हमने डिग्री देखी थी, हाईएस्ट डिग्री थी और 27 डिग्री के आसपास था, तो यहाँ पर ये इधर अपनी इधर पाइसिस राशि यानी मीन राशि का फल देगा, अपनी उच्च राशि का फल देगा। तो ऐसों के संतान भी काफ़ी अमीर होती है, साथ ही साथ और मतलब ये लोग काफ़ी खुद भी पैसा बहुत अच्छा बनाते हैं और ये देखिए एक लाइफ की लग्जरी भी दिख रही है। पंचम भाव में उच्च का वीनस बहुत अच्छा फल देता है और देखिए साथ में सूर्य का भी बैठना तो वो चीज़ हमें दिख रही है। अब यहाँ पर ये देखिए राहु यहाँ पर आ गया, जो राहु पंचम भाव में, अगर जैसे कई बार क्या होता है कि थोड़ा पंचम भाव में लोगों को लगता है कि संतान में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, तो वो छठे भाव में आ गया राहु। छठे भाव में राहु का आना और मरकुरी के साथ बैठना एक बहुत अच्छा योग बनाता है। बुध के साथ राहु का बैठना का देखिए अच्छा योग है और ये क्या होता है कि इंसान के दिमाग में तरह तरह के बढ़िया आइडियाज़ देता है, उनको इम्प्लीमेंट करने की शक्ति देता है और साथ साथ में शत्रु स्थान में बैठा है राहु, तो मैंने कहा जैसे लोग इनको परास्त्र नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते, ये राहु खुद ब खुद शत्रु हार जाते हैं। छठे का राहु सारी मनवांछित फल दिलवाता है, ये हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हमें दिख रहा है। साथ में देखिए जुपिटर आ गया सेवन्थ हाउस में। अब यहाँ से प्रेडिक्शन एक्चुअल निकल के आती है। हमेशा अगर हम देखें तो चलित चार्ट में एक्चुअल पिक्चर ग्रहों की दिखती है तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि चलित चार्ट एक जो कभी कभी लोगों को लगता है ना मेन चार्ट में तो दिख कुछ और रहा है, फल कुछ और निकल रहा है, तो वो चलित चार्ट के कारण होता है। चलित चार्ट में देखिए तो जुपिटर यहाँ बैठा है। अब जुपिटर गुरु जब यहाँ बैठेगा सप्तम भाव में तो वो क्या होता है कि गुरु जो है शादी को बचाए रखेगा, शादी बनी रहेगी। बहुत से लोग कहेंगे अरे देखो शनि बैठ गया चतुर्थ भाव में तो शादी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सुख का स्थान है स्त्री के जीवन में, उसका सुख जो होता है उसका परिवार, उसका ससुराल, उसका पति, घर बच्चे ये होता है, तो यही जब मुसीबत में होंगे तो शादी कैसे चलेगी, बहुत से लोग ऐसे कहने लगते हैं। लेकिन नहीं, ये गुरु उसकी रक्षा करेगा, हर हाल में रक्षा करेगा। और शनि का दान जब तक ये बच्ची बड़ी होगी, शनि का दान चीज़ों को नॉर्मलाइज बनाए रखेगा और ये गुरु उसकी रक्षा करता रहेगा, जिंदगी भर रक्षा करेगा। तो एक तो ये चीज़ है। गुरु की दृष्टि की बात करें तो गुरु की दृष्टि देखिए पंचम दृष्टि यहाँ पर भी, सप्तम और नवम दृष्टि, खूब अच्छी दृष्टियाँ चल रही हैं। सारे जो इनकम हो, खुद के ऊपर जो है खुद की रक्षा कर पाना, ये सारी चीज़ें और परिवार की रक्षा, खुद का पराक्रम, सब सेफ है। तो ये पूरा एक तरह से जुपिटर इस चीज़ की हेल्प कर रहा है, तो शादी को लेकर कोई डरने की बात इसमें है नहीं। कुंडली में केतु है, ये देखिए ये केतु जब बारहवें भाव में आता है तो ये मोक्ष प्राप्ति करवाता है। तो क्या होता है, ऐसे लोग जैसे स्पिरिचुअलिटी में पिलग्रिमेजेस वगैरह, मतलब होता है ना कि मैं चलो ये यात्रा कर आए, मतलब एक ये ऐसी कुंडली है कि जहाँ पर आपको ये लगेगा कि बच्चा पैदा तो आज के 2024 के एरा में हुआ है, लेकिन इसकी जो सोच है ये सब बहुत जैसे एक पुराने ज़माने की महिलाएँ होती थी ना, बहुत सधी हुई और बहुत नियम कायदे से चलने वाली, इस तरह की फीमेल ये मुझे लगती है। और ये कहीं ना कहीं रीइनकार्नेशन भी है, जब छठे भाव में राहु आता है तो मैंने देखा कि रीइनकार्नेशंस भी आते हैं। क्या कोई आपके घर की बड़ी जैसे कह सकते हैं कि पिता की दादी या नानी, इनमें से कोई पर्सन देखा जाए तो मेनली दादी अगर हम देखें तो पिता की दादी हैं, या कोई बुआ, अगर दादाजी की बुआ वगैरह कोई इस तरह की पर्सन, वो कोई इस तरह से वो जन्म लेती हैं तो वो भी रीइनकार्नेशन हमें दिखता है, या तो पिता भी जन्म लेते हैं, मतलब अगर देखा जाए तो पिता के दादा दादी में से भी कोई रीइनकार्नेट होके आ सकते हैं, पिता के दादा दादी या बुआ, इन तीनों में से कोई रीइनकार्नेट। फर्स्ट प्रायोरिटी तो दादी की रीइनकार्नेशन भी हो सकती है, पिता की दादी की, तो वो चीज़ हमें दिखती है। अब देखिए यहाँ पर अष्टकवर्ग का चार्ट में 28 नंबर से ज़्यादा जहाँ पॉइंट्स मिलेंगे वो भाव बड़ा अच्छा माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 28 के फर्स्ट भाव 29 अपने आप में मजबूत है, देखिए परिवार बहुत मजबूत है। दूसरा भाव परिवार का है, परिवार बहुत मजबूत होना,
लेकिन थर्ड हाउस अगर हम देखें पराक्रमी, बहुत पराक्रमी है। फोर्थ हाउस माँ सुख का स्थान बहुत बढ़िया है। फिफ्थ हाउस अगर हम पढ़ाई का एस्पेक्ट से देखें तो थोड़ा पढ़ने में ढीलापन दिख सकता है। तो और अगर हम देखें तो यहाँ पर सिक्स्थ हाउस जो शत्रु का स्थान है, जो शत्रु के स्थान में नंबर कम ही होना ठीक है, शत्रुओं को परास्त अच्छे कर लेंगी है। अब बात करते हैं गृह जीवन की। देखिए 19 नंबर है, लेकिन जो मैंने उपाय बताए हैं उससे चीज़ें बहुत अच्छी चलती रहेगी। भले ही यह नंबर कम है लेकिन हमें अलर्ट करने के लिए। यहाँ पे देखिए अष्टम भाव में भी नंबर कम है, छठे भाव, अष्टम भाव और बारहवें भाव में नंबर कम होना ही बेहतर है। अब बात करते हैं नवम स्थान में। तो देखिए नवम स्थान घूमने फिरने का कारक है, फॉरेन कंट्री जाने का कारक है, पिता का भी कारक है। तो थोड़ा सा कई बार होता है पिता से अनबन, जैसे मैंने बताया, वो चीज़ का थोड़ा इशू दिखता है। दसवां भाव करियर का भाव है जो कि बहुत बढ़िया है। इनकम का स्थान देखिए ये 39, इनकम का स्थान बहुत बढ़िया पॉइंट्स है। और बारहवें भाव में जैसे मैंने कहा नंबर कम होने चाहिए, तभी तो सेविंग्स होंगी। इनकम ज़्यादा और खर्चे कम, लॉसेस कम, तो तभी सेविंग्स ज़्यादा होंगी। तो ये चीज़ हमें दिखती है। अब देखिए जन्म के समय ही शनि की महादशा इस बच्चे की चल रही है। अब देखिए शनि की महादशा के साथ देखिए शनि में शनि का अंतर 2026 तक चलेगा। तो क्या होगा, बच्चे को ऐसा लगेगा कि थोड़ा छोटा बच्चा है तो बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा कि कोई ऐसी बड़ी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो। तो ऐसे बच्चे के लिए क्या होता है कि शनि का उपाय जैसे मैंने बताया तो वो करना बहुत लाभकारी है। शनि का उपाय और चंद्रमा का उपाय जो मैंने बताया वो बेस्ट है। तो वो जब तक शनि में शनि का अंतर चले तो एक करें। और मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तक जब तक शनि की महादशा है, शनि का दान आप करवाते रहिए, वो बेस्ट है। शनिवार का दान हो, कोई आप एक नीडी पर्सन को खाना खिलाना हो या एक कप चाय का पैसा देना हो, बच्चे के नाम का हर शनिवार आप दान करें, शनिदेव को दान करें, वो अच्छा रहता है। अब देखिए मुंथा राशि यहाँ पर प्रथम भाव में है। मुंथा राशि प्रथम भाव में दिखती है तो प्रथम भाव में बहुत बढ़िया मानी जाती है। ऐसे में मतलब इंसान की प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, खूब बच्चे को गिफ्ट्स मिलना, खूब सेलिब्रेशंस होना, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। बच्चे का चंचल स्वभाव अभी भी इसमें देखा जा सकता है। और देखा जाए तो ये कुंडली वही जन्म चार्ट की तरह है, तो रिजल्ट्स भी ऑलमोस्ट वही सेम रहेंगे। तो छोटे बच्चे की साल भर तक में जैसे हम कह सकते हैं एक्टिविटीज़ डेवलप होना, आदतें डेवलप होना, ये सारी चीज़ें हम ग्रोथ अच्छी हमें देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर मुंथा राशि ग्यारहवें भाव में, यानी कि धन लाभ के भाव में, तो लाभ भाव में जब मुंथा राशि आती है तो अच्छे लाभ करवाती है। अब इंसान को खूब अलग अलग तरह से सोर्स ऑफ इनकम, अब छोटा बच्चा है सोर्स ऑफ इनकम कैसे आएगा, ये जैसे कहना चाहिए कि पिता के भाई बहनों को लाभ देना, पिता को सेल्फ लाभ मिलना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें में हमें दिख रही है, पिता को भी लाभ मिलना, अनएक्सपेक्टेड गेंस मिलना, इस तरह की चीज़ें, पिता के भाई बहनों को गेंस मिलना, वो सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। और देखा जाए तो ये देखिए यहाँ पर दूसरे भाव में इतने सारे ग्रह बैठना और वीनस अपनी उच्च राशि में बैठना, ये अपने आप में ही साल परिवार को लाभ दे रहा है, पूरे पूरे परिवार को लाभ मिल रहा है। और देखिए ये बच्चा अपनी इनकम नहीं देगा लेकिन बच्चे के भाग से सब पूरा परिवार जो है फलेगा फूलेगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ओवरऑल देखें तो साल काफ़ी अच्छा हमें जाता हुआ दिख रहा है। तो दोनों साल जो है अगर हम देखें तो बच्चे के लिए काफ़ी, और देखिए जुपिटर का ये देखिए माता के लिए भी फ़ायदेमंद, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो ओवरऑल देखें तो एक अच्छा लाभकारी साल हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, परिवार वालों का फलना फूलना, ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो ओवरऑल चार्ट देखें तो काफ़ी बढ़िया ब्लेस्ड चार्ट है। और एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि देखिए नवम भाव, और नवम भाव पिता का घर होता है, पिता से के भाव से अगर नवम से नवम भाव देखें तो ये दादा का भाव आ रहा है, तो ये दादा के लिए भी बहुत भाग्यशाली बच्ची देखी जाएगी। दादा के भी भाग्य को एक नेक्स्ट लेवल पहुँचाना, वो सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो सूर्य राहु का योग ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा इस बच्ची का। तो ओवरऑल देखें तो कुंडली काफ़ी अच्छी है, बली है, और जो मैंने उपाय बताए हैं वो करें, और उससे जो छोटे मोटे दोष हैं या छोटे मोटे जो दिक्कत है वो सब दूर हो जाएगी। काफ़ी धन लाभ देने वाली कुंडली है
यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगी, देखिए मंगल और शनि दोनों केंद्र इकट्ठे बैठे तो ये भी अपने आप में धन लाभ करा रहे हैं। ये चीज़ बहुत बेनिफिट की, बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है इस बच्ची की कुंडली में। तो ये दो केंद्र आपस में मिल रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें दिखता है। साथ में देखिए ये तीसरा केंद्र भी मिल रहा है, मंगल शनि और शुक्र तीनों केंद्र यहाँ पर मिल रहे हैं तो ये अपने आप में ही खूब कुंडली को बल दे रहा है। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड गेन का योग, लक्ष्मीपति योग बना रहा है, राजयोग है एक तरह का। तो ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो ओवरऑल कुंडली काफ़ी बढ़िया है, तो ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे योग और बहुत अच्छे समय पर बच्ची का जन्म हुआ है जो कि बहुत भाग्यशाली है। और किसी अपने घर के पूर्वज का अपने घर में जन्म लेना वो अपने आप में ही कुंडली को बलशाली, परिवार को बलशाली बनाता है। परिवार की एक तरह से रक्षक हम ये कह सकते हैं, इस कुंडली में हमें दिखती है। तो शादी के बाद भी पति को भाग्य देना, बच्चे अच्छे ऐसी संतान उत्पत्ति करना कि जो आगे पीढ़ियों को नेम फेम सक्सेस देती है, इस तरह की चीज़ें, पिता का नाम रोशन करना, दादा का नाम रोशन करना, इस तरह की चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, बच्ची परिवार को खूब फले फूले और परिवार भी खूब फले फूले। तो ये था इसका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।